नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। लक्षणा मूला व्यंजना हमने जानी। जिस व्यंजना के मूल में लक्षणा हो उसको लक्षणा मूला व्यंजना कहा जाएगा। मूल में यानी जिस व्यंग्यार्थ की प्राप्ति लक्ष्यार्थ के बाद हो वो लक्षणा मूला व्यंजना है। सीधा मोटे मोटे शब्दों में कहें तो इसी प्रकार से जिस व्यंग्यार्थ की प्राप्ति अभिधा जन्य अर्थ यानी मुख्यार्थ के बाद हो उसको हम अभिधा मूला व्यंजना कहेंगे। अब देखिए, इसका एक सीधा सिद्धांत है कि हमारे यहां बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों का प्रयोग दो अर्थ में होता है। अब आचार्य मम्मट कहते हैं कि पहला अर्थ जो भी आप माने वो एक अर्थ जो है वो तो आपको अभिधा के द्वारा प्राप्त हो जाता है। एक अर्थ अभिधा के द्वारा मिल जाता है क्योंकि वो सीधा उसका मुख्यार्थ बन जाता है। वाच्यार्थ जो भी आप कह लो वो अभिधा जन्य अर्थ है। लेकिन फिर भी दूसरा अर्थ जो प्राप्त होता है वो आनंददायक व्यंग्यार्थ होता है। वो आनंददायक व्यंग्यार्थ होता है। आचार्य मम्मट इसको समझाने के लिए अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगाद्यैर अवाच्यार्थ धीकृत व्यापृति रंजनम। भाई अनेक अर्थ वाले जो शब्द होते हैं वाचक में उनका नियंत्रण संयोग आदि के द्वारा होने के बाद जो अन्य अधिक अर्थ की प्राप्ति होती है व्यापृति रंजनम वो आनंददायक व्यंग्यार्थ होता है। देखिए व्यंग्यार्थ उत्तम काव्य है और उत्तम है तो आनंद देने वाला होगा, ये तो स्वाभाविक है। तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि अनेकार्थक शब्दों का संयोग आदि वगैरह जो उसके कारण हैं उनके एक अर्थ का नियंत्रण होने के बाद जो अधिक अर्थ की प्राप्ति होती, जो दूसरा तीसरा या चौथा फिर जितने भी अर्थ प्राप्त होंगे वो सारे अर्थ जो हैं वो आनंददायक और व्यंग्यार्थ हुआ करते हैं। ये संयोग वगैरह क्या है इनको जरा जान लें। तो संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता। संयोग विप्रयोग साहचर्य विरोध अर्थः प्रकरणम लिंगम शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि सामर्थ्यम औचिति देशः कालो व्यक्ति ही स्वरादय शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेषा स्मृति हेतुवः। भाई शब्दों के जो अनेक अर्थ वाले शब्द हैं उनके अर्थों को ये 14 ऐसे कारण हैं जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि यहां इस अर्थ का इस शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है और उसमें से किस अर्थ की प्राप्ति होती है। फिर से समझें, ये संयोग वगैरह 14 ऐसे कारण हैं जो कारण अनेक अर्थ वाले शब्द के अर्थ को निश्चित करने में आपकी मदद करते हैं। कोई भी उदाहरण यहां दिए हुए हैं, थोड़ा हम पहले एक उदाहरण ऐसा देख लेते हैं कि जिसके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे मेरा नाम वाचक शब्द है हरि, तो हरि शब्द के अनेक अर्थ। मैंने यमक अलंकार के समय आपको कहा था हरि आए हरि से मिलन हरि बैठे हरि पास। देखिए जाके यमक अलंकार, वहां आपको मालूम पड़ेगा इसका अर्थ। तो हरि शब्द के अनेक अर्थ हैं। हरी मेढक को भी बोलते हैं, हरी तालाब को भी बोलते हैं, हरी
सर्प को भी बोलते हैं, हरि का अर्थ बंदर भी है, हरि का अर्थ विष्णु भी है। अब भाई हरि किस संदर्भ में प्रयोग किया जा रहा है, तो उसके साथ में किसका प्रयोग है, उसके आगे पीछे क्या है, उसके संदर्भ क्या है, ऐसे 14 कारण हैं जो उसके अर्थ को निश्चित कर सकते हैं। तो इन 14 कारणों के उदाहरण आचार्य मम्मट देते हैं। सबसे पहले संयोग का उदाहरण देते हुए आचार्य मम्मट कहते हैं, सशंख चक्रो हरि। भाई शंख चक्र के साथ जो हरि हैं, यानी इसका अर्थ हुआ शंख चक्र गदा पद्म विष्णु धारण करते हैं, तो यहां हरि शब्द का अर्थ हुआ विष्णु। लेकिन वियोग से भी उस चीज का ज्ञान हो सकता है, असंख्य चक्रो हरि, जिनके पास शंख चक्र नहीं रह गया है, वो अपना शंख चक्र घर पे भूल गए हैं, ऐसे हरि, तो भी उसका अर्थ विष्णु होगा। राम लक्ष्मण सहचर की बात करते हैं, जोड़ी होती है, तो राम लक्ष्मण में राम शब्द क्या नहीं करते हैं, राम परशुराम को भी कहते हैं, राम दशरथ पुत्र राम को भी कहते हैं, जो आनंद देने वाला है उसको भी कहते हैं। रमन्ते योगिनो यस्मिनिति रामा, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, वो परब्रह्म परम परमात्मा परम तत्व जो है उसको भी राम कहा जाता है। तो राम शब्द का क्या अर्थ है, तो जब कहा कि राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण कहा, तो लक्ष्मण के भाई राम यानी दशरथ पुत्र राम यहां पर अर्थ होगा। और हम विरोध, विरोध का उदाहरण देते हैं, रामार्जुन गति ही तयो, राम और अर्जुन, तो राम और अर्जुन कार्तवीर अर्जुन है और राम यानी परशुराम है, तो यहां राम शब्द का अर्थ होगा परशुराम। इसी प्रकार से अर्थ स्थाणुम भज भव छिदे, स्थाणु शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, स्थाणु हम खंभे को भी कह सकते हैं, स्थाणु हम खूटे को भी कह सकते हैं, कोई ऐसा जैसे मील को दर्शाने वाले कुछ पत्थर लगे होते उनको भी हम स्थाणु कह सकते हैं, और स्थाणु शिव का भी एक अर्थ है, स्थाणु का एक अर्थ शिव भी है। तो जब हम कहते हैं कि स्थाणुम भज भव छिदे, इस संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए स्थाणु का भजन करो, तो भाई खंभे का भजन तो इसके लिए किया नहीं जाएगा, न कीले का भजन या खूंटे का भजन इसके लिए किया जाएगा, तो यहां स्थाणु का अर्थ शिव हो जाएगा। ऐसे ही सर्वम जानाति देवा प्रकरण, किस संदर्भ में यह बात कही गई है, अरे आप तो सब कुछ जानते हैं, तो देव शब्द क्या नहीं करते हैं, सर्वम जानाति देवा, देवता सब जानते हैं, राजा को तो सब पता होता है, उसके गुप्तचर उसको सब बताते रहते हैं, तो देव शब्द के अनेक अर्थ हैं। जिस प्रकरण में, जिस संदर्भ में उस देव शब्द का उपयोग किया गया हो, सर्वम जानाति देवा, तो ये आप तो सब कुछ जानते हो, तो यहां देव शब्द का अर्थ आप हो जाता है। कुपितो मकरध्वजा यानी क्रोधित कामदेव, ये लिंग का उदाहरण है कि भाई मकरध्वज कौन है, कामदेव है, जैसे कपिध्वज कौन है, अर्जुन है, नाग केतु कौन है, तो दुर्योधन है, तो इस प्रकार से गरुणध्वज कौन है, कृष्ण है, तो इस प्रकार से विष्णु है, इनको भी हम गरुणध्वज कह सकते हैं, तो ये लिंग का उदाहरण है। शब्दस्य अन्यस्य सन्निधि, अन्य शब्द के संयोग के कारण देवस्य पुराराते, पुरों का संहार करने वाले, तो भैया यहां देव शब्द का अर्थ अभी हमने देखा था सर्वम जानाति देवा, तो वहां देव शब्द का अर्थ क्या था, आप प्रकरण वश देखा था, यहां देव शब्द का अर्थ है त्रिपुर संहारक देव, तो उसका अर्थ शिव होता है। मधुना मत्तः कोकिला, तो यहां मधु शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यह मधु शब्द का अर्थ है बसंत, क्योंकि कोयल को मस्त बनाने का काम, मदमस्त बनाने का काम, उसको पागल कर देने का काम वसंत कर सकता है, वसंत ऋतु में कोयल बड़ा कूकने लग जाती है। पातुम वो दैता मुखम, यहां पे औचित्य का वर्णन कर रहे हैं कि पातुम वो दैता मुखम, इसका अर्थ सम्मुख होता है, सामने होता है। भात्यत्र परमेश्वर, यहां देश के हिसाब से इसका अर्थ चमकता हुआ सूर्य नहीं होगा, चमकता हुआ राजा होगा,
तो भातृत्र का अर्थ यहां पे कौन, परमेश्वर का अर्थ क्या होगा? नहीं शिव होगा, नहीं परमेश्वर का अर्थ कोई और होगा। यहां परमेश्वर शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? राजा हो जाएगा, क्योंकि भैया अगर भारत की बात है तो कौन चमक रहा है, किसका सितारा चमक रहा है, कौन सबसे तेजस्वी है। इस तरीके से जैसे हम किसी विशिष्ट नेता की बात कर सकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भातृत्व परमेश्वर, तो यहाँ परमेश्वर का अर्थ राजा होता है। चित्र भानुर विभाति, काल के हिसाब से चित्र भानु चमक रहे हैं, तो दिन की अगर बात है तो इसका अर्थ होगा सूर्य, और रात की अगर बात है तो सूर्य तो रात को नहीं होगा, तो चित्र भानु का अर्थ हो जाएगा अग्नि। तो दिन में वही चित्र भानु सूर्य का परिचायक है, क्योंकि सूर्य की प्रकाश में आग जल रही हो तो इतनी चमकती नहीं है, लेकिन रात को वही आग ऐसी चमकती है, तो चित्र भानु का अर्थ रात्र के संदर्भ में अग्नि हो जाएगा और दिन के संदर्भ में सूर्य हो जाएगा। मित्रम भाति, ये उदाहरण दे रहे हैं व्यक्ति का। मित्रम भाति यानी मित्र चमकता है, यहां मित्रम नपुंसक लिंग का उपयोग है, तो यहां इसका अर्थ सुहृद होगा, मित्र होगा। मित्रो भाति, ये उदाहरण है किसका? मित्रहा, देवता अर्थ में पुल्लिंग मित्र शब्द का प्रयोग किया है, तो यहां इसका अर्थ होगा सूर्य। तो भैया 13 उदाहरण देख लिए, 14वां उदाहरण है वो स्वर का है। कुछ भाषाएं इस प्रकार की हैं, चीनी वगैरह भाषा ऐसी हैं जहां स्वराघात से अभी भी असर होता है। हमारे यहां वेदों में ये चीज देखी जाती थी कि उदात्त अनुदात्त स्वरित, इस प्रकार के स्वरों के अंतर से वाक्य और शब्द के अर्थ बदल जाया करते थे। इंद्र शत्रु वर्धस्व बड़ा ही प्रसिद्ध वाक्य है, वेद वाक्य जो है बड़ा ही प्रसिद्ध कथानक है, तो वहां स्वरों का ये स्वराघात वगैरह देखा जाता है, तो उससे भी अर्थ निश्चित किया जा सकता है। इस प्रकार से ये 14 कारण ऐसे हैं जो अनेक अर्थक शब्दों को एक अर्थ में निश्चित कर देते हैं। इसके बाद भी आचार्य मम्मट कहते हैं, एतावन मात्रस्तनिका एतावन मात्राभ्याम अक्षिपत्राभ्याम एतावन मात्रावस्था एतावन मात्रैः दिवसैः, यहां पे अभिनय वगैरह द्वारा भी ये इतना ये इतना ये इतना ये ऐसे और ये ऐसे, मतलब अभिनय द्वारा भी कई बार क्या है कि शब्दों के अर्थ को नियंत्रित किया जा सकता है, अनेक अर्थक शब्दों को इसके द्वारा भी नियंत्रण किया जा सकता है। तो 14 मुख्य कारण बताए, जिसमें से स्वर को तो हम भूल जाएं, वो तो वेदों में पाया जाता, लोक में नहीं पाया जाता। 13 वहां कारण बताए, और उसके बाद कुछ अभिनय वगैरह अन्य कारण भी हो सकते हैं। यहां यही नहीं कि अभिनय ही एक कारण हो सकता है, इसीलिए आदि शब्द का प्रयोग किया है। यहां पे आचार्य मम्मट का पक्ष बड़ा ही स्पष्ट होता है कि ये 13 ही या 14 ही मुख्य कारण ऐसा नहीं माना जा सकता, और भी कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन मूल बात इतनी है कि अनेक अर्थक शब्दों का एक निश्चित अर्थ होने के बाद वो अर्थ जब आपको मिल जाएगा तो दूसरे अर्थ की अगर आपको प्राप्ति हो, क्योंकि अनेक अर्थक शब्द है तो दूसरा अर्थ तो उसमें से निकलेगा, तो वो जो दूसरा अर्थ प्राप्त होगा वो व्यंग्यार्थ होगा, और वो अभिधा मूला व्यंजना कही जाएगी। एक उदाहरण देते हैं आचार्य मम्मट, भद्रात्मनो दुरधिरो हतनो विशालम वंशोन्नते कृतशिली मुख संग्रहस्य यस्यानुपप्लुत गते परवारणस्य दानामुषेक सुभगः सततम् करो भूत। जितने विशेषण यहां दिए गए हैं, भद्रात्मनो दुरधिरोहन मुश्किल से जिस पे चढ़ा जा सके, विशाल वंश शिली मुख संग्रहस्य, ये सारे के सारे विशेषण जो हैं वो हाथी के लिए और राजा के लिए दोनों के लिए समान रूप से लागू पड़ते हैं।
विस्तार से देखना है, आप देख लीजिए काव्य प्रकाश में, क्योंकि थोड़ा समय का अभाव रहता है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, जो जो शब्द प्रयोग हुए हैं सबके दो दो अर्थ निकलते हैं, सारे विशेषण दो अर्थ वाले हैं, और वो सारे विशेषण एक राजा को और एक हाथी को लागू पड़ते हैं। अब हाथी के संदर्भ की बात अगर हो गई, और फिर जो कहा है करो भूत दानाम्बु से एक सुभगा सततम करो भूत, दान के जल से जिनके हाथ हमेशा भीगे रहते हैं, तो राजा हमेशा दान करता रहता है। हाथी का हाथ उसकी सूंड है, और उसकी सूंड में जो मद जल बहता रहता है उसकी वजह से उसकी सूंड गीली रहती है। तो इस प्रकार से हाथी और राजा दोनों ही अर्थ यहां व्यक्त होते हैं। इसलिए नीचे कहते हैं तदयुक्तो व्यंजकः शब्दः। अब इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए जो शब्द है वो व्यंजक शब्द है। मतलब सारे अर्थ एक अर्थ में निहित हो जाएं और फिर भी दूसरा अर्थ जिस शब्द की वजह से प्राप्त हो या जिन शब्दों की वजह से प्राप्त हो, वो सारे शब्द जो हैं वो व्यंजक शब्द माने जाएंगे, क्योंकि उनसे व्यंग्यार्थ की प्राप्ति होती है। यत सो अर्थांतरक युक्त तथा अर्थोपि व्यंजकस्तत्र सहकारितया मता। भाई वो शब्द तो व्यंजक होता है, लेकिन उससे प्राप्त होने वाला जो अर्थ है उसको भी आचार्यों ने व्यंग्यार्थ कहा है। अब ये तो हम पहले ही उत्तम काव्य के उदाहरण में देख चुके हैं कि बुधई वैयाकरणे प्रधान भूत स्फोट रूप व्यंग व्यंजकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारा कृता ततः तद मतानुसार भी। तो उनके मत का अनुसरण करने वालों ने शब्द के साथ अर्थ को भी व्यंग कहना शुरू कर दिया। वही बात यहां आकर के पूरी करते हैं, और यहां आकर के काव्य प्रकाश का दूसरा उल्लास भी पूरा होता है। और ये जो है व्यंजना का यहां से प्रारंभ हुआ है। आप एक चीज समझिए, लक्षणा मूला व्यंजना और अभिधा मूला व्यंजना ये दो प्रकार का है। फिर से एक बार मैं संक्षेप में आपको कहता हूं, अभिधा जन्य अर्थ यानी एक निश्चित साक्षात संकेतित अर्थ, वो मिलने के बाद भी जब उसी शब्द से हमें दूसरा कोई अर्थ प्राप्त होता है तो वो अभिधा मूला व्यंजना है। देखिए एक उदाहरण देखें, सर्वेशां प्रायसो अर्थानाम में हमने देखा था कि वाच्यार्थ में व्यंग्यार्थ का एक उदाहरण देते हुए आचार्य मम्मण ने कहा था कि मातृगृहोपकरण मध्य नास्ति इति साधितं त्वया। वहां जो अर्थ प्राप्त होता है वो पूरे वाक्य का एक अर्थ मिलने के बाद अन्य अर्थ की प्राप्ति होती है, तो वो अर्थ के द्वारा अर्थ की प्राप्ति है, वहां अभिधा मूला व्यंजना नहीं है। भले वो समझिएगा आप, भले वो वाच्यार्थ के उपरांत व्यंग्यार्थ मिल रहा है लेकिन वो अभिधा मूला व्यंजना नहीं है। ऐसे शब्द जिनका जिनके दो अर्थ होते हैं और उनमें से एक अर्थ संयोग वगैरह के द्वारा निश्चित हो जाता है, उसके बाद जो दूसरा अर्थ प्राप्त होता है वो अर्थ व्यंग्यार्थ है, क्योंकि वह अभिधा शक्ति एक बार ही काम करेगी और वो एक अर्थ को प्रतिपादित करेगी। दूसरा अर्थ अभिधा से नहीं प्राप्त होगा, दूसरा अर्थ मुख्यार्थ वगैरह का बाद नहीं होगा, इसलिए वो लक्ष्यार्थ से भी नहीं मिलेगा। वहां जो दूसरा अर्थ मिलेगा वो किससे मिलेगा? व्यंग्यार्थ से ही मिलेगा, ऐसा आचार्य मम्मट ने कहा है, और ये है अभिधा मूला लक्षणा। धन्यवाद, मैं समझता हूं कि मेरा प्रयास सफल रहा होगा, आपको ये बात समझ में आई होगी। सुनते रहिए संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति पे, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। काव्य प्रकाश चल रहा है, आगे हम रस की भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।